क्या हाल है आप सबके? आई होप आप लोग बहुत सही होंगे। नमस्कार भाई लोग, और बहुत 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 स्वागत है आपके अपने शो स्टॉप हेयर फॉल सून में। आज मुझको कंप्लीट 8 महीना हो गया है मिनोक्सिडिल का सॉल्यूशन अप्लाई करते हुए। स्टार्टिंग के अराउंड 4.5 मंथ्स को मैंने मिनोक्सिडिल का मोरेफ 10% अप्लाई किया। उसके बाद से ही रिजल्ट अच्छा मिला। उसके बाद से मैंने स्विच किया हेयर फॉर यू एफ 5% को। मिनोक्सिडिल 5% है और फिनिश राइट 0.1% है। बाकी का कंटेंट जो है वही इथाइल अल्कोहल का है। इसको ऑल दो डर्मोटोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया है ट्वाइस अ डे, बट बिकॉज मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता है वही पर्टिकुलर रीज़न है बिकॉज ऑफ विच वंस अ डे ही मैं लगाता हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे भाई लोग, इवन इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई वंस अ डे आपको रिजल्ट मिलता है। ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव पेशेंस। अगर है तो आपको रिजल्ट मिलेगा फॉर श्योर आफ्टर 4 to 5 months। इसके साथ ही मैं जो मल्टीविटामिन टैबलेट ले रहा हूँ, फॉली हेयर टैबलेट है ये, अराउंड 5 months को तो मैंने रेगुलर लिया था, उसके बाद से अभी थ्राइस अ वीक ही ले रहा हूँ। इसमें बायोटिन का कंटेंट अच्छा है, एमिनो एसिड का कंटेंट अच्छा है, विच हेल्प्स इन मेकिंग आर हेयर स्ट्रॉन्गर, है ना भाई लोग। इसके साथ अगर बोला जाए तो डर्मा रोलर से मैं स्कैल्प का मसाज करता हूँ ट्वाइस अ वीक। उसके बाद मैं मिनोक्सिडिल यूज़ करता हूँ। अगर शैम्पू का बात करा जाए तो कोई भी बेस्ट शैम्पू जिसमें कैटेकोनाजोल 2% है वह आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और इतना इज इनफ फॉर गेटिंग रिजल्ट अगर आप लोग फेस कर रहे हैं हेयर फॉल से, या हेयर में बहुत जगह पैचेस स्कैल्प क्लियर हो जाता है तो उससे भी लड़ सकते हैं और रिजल्ट मिलेगा। इफ़ योर ग्रेड इज बिलो 4 फॉर श्योर मिलेगा, उसका प्रूफ इवन आई एम। अगर आप लोगों को अभी कोई डाउट है तो मेरा प्रीवियस पिक्स देखें और वापस आएं क्या कंडीशन थी मेरी, है ना भाई लोग। अगर आप लोगों को लग रहा है अभी का इम्प्रूवमेंट देख के और प्रीवियस पिक्स देख के तो एक लाइक कर ही दें, शेयर भी करना ही है आपको। चलें ये प्रीवियस पिक्स देखें। ये वीडियो अराउंड 4 साल पहले का है, जब मैं 10 डेज हेयर ऑयल लगाता था। अराउंड 2 महीने के खर्चा 2000 का हेयर ऑयल ख़रीदा था। सोचता था कि कोई से हेयर ऑयल से हेयर रीग्रोथ पॉसिबल हो, तो वो टाइम मैं वेस्ट किया बहुत पैसे। आप मिड स्कैल्प एरिया देख सकते हैं कितना पूरा स्कैल्प विजिबल है, हेयर लाइन कितनी डैमेज हो चुकी है। ये 4 साल पहले का वीडियो है से, जो मैंने जब मैं 10 डेज हेयर ऑयल यूज़ करता था, तो अपलोड भी किया हुआ है, आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। वो टाइम की कंडीशन का थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए। ये अभी 2 साल पहले की कंडीशन है, स्कैल्प पूरा खाली दिख भी रहा है आप लोगों को, पूरा फ्रंटल हेयर लाइन डैमेज है, मिड स्कैल्प एरिया पूरा खाली पड़ा है। कॉन्फिडेंस आप लोग बोला जाए तो ये टाइम में कितना लूज अप हो जा सकता है, जो ये कंडीशन से जूझ रहा है वही समझ सकता है। आप लोग ने मेरे पुराने पिक्स देखे, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा ग्रेड ऑफ बाल्डनेस वॉर अराउंड 4 और पूरा स्कैल्प फ्रंटल एरिया डैमेज था। इवन मिड स्कैल्प एरिया में बहुत जगह पैच स्कैल्प बहुत ज़्यादा क्लियर था। आप लोग ने प्रीवियस पिक्स देखे मेरे, और आप लोगों को अभी कितना रिजल्ट हुआ है उसके लिए ये वाले पिक्स देखें और वापस आएँ। ये पिक्स अभी की हैं, अराउंड 7th और 8th मंथ की ही पिक्स हैं पूरी। मिड स्कैल्प एरिया पूरा फिलअप हो चुका है, हेयर लाइन जो रिसीड हो रही थी वो भी वापस आ चुकी है। आप सोच सकते होंगे कि इतना इम्प्रूवमेंट के बाद कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप हो जाता है, पर्सनैलिटी टोटली इम्प्रूव्ड हो गई है फ्रॉम इफ वी विल बी कंपेयरिंग फ्रॉम बिफोर पिक्स। अभी आपने मेरे बिफोर और आफ्टर पिक्स देख लिए हैं। मैं ये इसीलिए अपलोड करता हूँ बिकॉज कोई भी जो बंदा अभी जुड़ा है उसको भी थोड़ा क्लियर भी हो जाए कि क्या कंडीशन से मैं सफ़र कर रहा था और किस कंडीशन से मैं अभी आ चुका हूँ।
बिकॉज ऑल्दो मिनोक्सिडाइल से सबको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, दिस आई नीड टू एक्सेप्ट इट, जो भी बंदा इज बिलो 3 उनको 3+4 है उनको ये यूज़ करना ही चाहिए, पर बिकॉज अराउंड 70% लोगों को जो भी मिनोक्सिडाइल यूज़ करता है प्रॉपर टाइम में बिफोर 4th grade प्लस अगर आपकी एज है तो श्योरली आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी एक क्लोज़र लुक ले लीजिए भाई लोग, बिकॉज थोड़ी कंप्लेन आती है कि भाई तू आता है एंड पिक्स चिपका के चला जाता है, थोड़ा क्लोज़र लुक दे दिया जाकर। तो भाई लोग दिस इज़ दी कंडीशन ऑफ माइंड, एक क्लोज लुक ले लीजिए, ये मेरी अभी की कंडीशन है, देख सकते हैं भाई लोग, नथिंग टू हाइड बिकॉज रिजल्ट मिला है, तो दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच आई एम शोइंग इट टू यू गाइस, है ना भाई लोग। अगर आप लोगों को रिजल्ट अच्छा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है बिकॉज ऑफ मिनोक्सिडाइल, तो एक शेयर आपको करना ही है, है ना, और बिकॉज दैट गिव्स मोटिवेशन कि फॉर अपलोडिंग दी वीडियोस, है ना। या दे अराउंड पिछले कुछ 5-6 महीने से मिनोक्सिडाइल यूज़ कर रहे हैं, तो भाई लोग क्लियर बोलूँ, अगर यूज़ इट फॉर मैक्सिमम 7-8 months अगर मिनोक्सिडाइल से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो भाई लोग इसको बंद करें लगाना। अगर बिकॉज स्टार्टिंग में अगर 7-8 months तक अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आगे पैसे वेस्ट करने का टू सम एक्सटेंट अगर नहीं मिल रहा है तो लगाना बंद करें एंड गो फॉर अदर ऑप्शंस। और जिन बंदों को 4-5 months या 5-6 months के इटसेल्फ रिजल्ट मिल चुका है, बहुत सही रिजल्ट मिला है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके साथ है ही, जिनके पास नहीं है मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर करूंगा। जिनको रिजल्ट सही मिला है आप अपने कुछ बिफोर प्लस आफ्टर के पिक्स मेरे साथ शेयर करें, आप चाहें तो क्लियर पिक्स दें और मैं आप लोगों के साथ श्योरली शेयर करूंगा, बिकॉज दैट गिव्स मोटिवेशंस टू अदर पर्संस। जो भी बंदे फ्रंटल हेयरलाइन डैमेज हो चुकी है, क्राउन एरिया डैमेज हो चुका है, मिड स्कैल्प एरिया डैमेज हो चुका है और चाहते हैं इम्प्रूवमेंट मिले, उनको थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए, प्लस जो बंदों ने भी ट्रांसप्लांट करा रखा है उसके बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, वो बंदे भी को भी मोटिवेशन मिले आपकी पिक्स देख के, है ना भाई लोग। दैट इटसेल्फ इज दी माय मोटो कि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन देके आप लोगों की पर्सनालिटी इम्प्रूव कर सको, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर मैं आप लोगों के साथ इस तरह जुड़ सका, है ना भाई लोग। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर सही लगा है तो एक लाइक और शेयर कर दें। चलें भाई लोग आज के लिए इतना ही, बाय।